साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती और हर अति का अंत होना तय है, तो अब समर सिंह के गुनाहों का भी अंत हो चुका है। कोर्ट के बाहर तो समर सिंह गुनहगार साबित हो ही चुका है, बस कोर्ट के अंदर होना बाकी है और अब बेहद आसानी से समर सिंह कोर्ट के अंदर भी दोषी साबित हो जाएगा, क्योंकि मरने से पहले आकांक्षा दुबे समर सिंह के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत छोड़ कर गई है और वो सबूत ये वीडियो है। जी हाँ, रोती बिलखती आकांक्षा जो जो कह रही है वो कोर्ट में समर सिंह के खिलाफ सबसे बड़े सबूत के तौर पर देखा जाएगा। खुद आकांक्षा गवाही देने कोर्ट पहुंच चुकी है। मरने के बाद भी आकांक्षा अपनी गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच गई है। इस वीडियो के जरिए आकांक्षा खुद अपने मुंह से कह रही है कि अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह होगा। इस वीडियो में आकांक्षा दुबे समर सिंह पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। आकांक्षा दुबे रोते हुए कह रही हैं कि मैंने क्या गलती की है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी समर सिंह की है। इसके बाद वीडियो में आकांक्षा जोर जोर से रोते हुए नजर आ रही है। 37 सेकंड के इस वीडियो से हर तरफ हड़कंप मच गया है, क्योंकि अपनी मौत से पहले आकांक्षा साफ साफ शब्दों में कह रही है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। जो समर सिंह पुलिस और कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो बेकसूर है, आकांक्षा ने उसका नाम भी नहीं लिया, तो उस समर सिंह को ये वीडियो देखना चाहिए। आकांक्षा भले ही कोई लेटर छोड़कर नहीं गई, लिखित में कुछ नहीं छोड़कर गई, मगर ये वीडियो आकांक्षा की गवाही के लिए सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो में आकांक्षा दुबे का एक एक शब्द दिल को चीर देने वाला है। उसकी आंखों से बह रहे आंसू रोम रोम खड़े कर देने वाले हैं। मरने से पहले आकांक्षा को कितना सताया गया होगा, कितना तड़पाया गया होगा, उसके साथ न जाने क्या क्या हुआ होगा जो उसको इस तरह का वीडियो बनाना पड़ा। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि समर सिंह पर लगा एक एक आरोप बिल्कुल सही है। सामने आया है कि आकांक्षा दुबे ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टेटस पर इसे शेयर किया था। आकांक्षा ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाया था, जिसे आकांक्षा की एक सहेली ने रिकॉर्ड कर लिया था और इसी सहेली ने इस वीडियो को आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे को दिया है और मधु दुबे ने अपने वकील शशांक शेखर त्रिपाठी को। अब जैसे ही वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने ये वीडियो मीडिया के साथ शेयर किया तो हर तरफ हड़कंप मच गया। सारनाथ से लेकर वाराणसी तक पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सूत्रों की माने तो वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस थाने में अधिकारियों की भीड़ लग गई है। बड़े बड़े अधिकारी थाने पहुंच चुके हैं और उधर जिस जेल में समर सिंह बंद है उस जेल तक भी वीडियो की खबर पहुंच गई है, जिसके बाद फिलहाल समर सिंह की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है ताकि कम से कम जेल के अंदर समर सिंह के साथ कोई अनहोनी न हो। फिलहाल वीडियो को लेकर वाराणसी पुलिस का इतना ही कहना है कि वो इस वीडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं। वीडियो कब का है, कहां का है और वीडियो बनाने के पीछे आकांक्षा की कैसी परिस्थिति रही, ये सब जांचा जा रहा है। अब पुलिस कितनी भी जांच कर ले मगर ये तय है कि ये वीडियो कोर्ट में समर सिंह के खिलाफ हथौड़े का काम करेगा और कोर्ट में समर सिंह को दोषी साबित करवा कर रहेगा, क्योंकि आकांक्षा खुद अपने मुंह से रोते रोते कह कर गई है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। अब भला इससे बड़ा सबूत किसी को क्या चाहिए। तो आकांक्षा दुबे के इस वीडियो पर आप भी अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या इस वीडियो से समर सिंह कोर्ट में दोषी साबित हो जाएगा। कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भोजपुरी सिंगर और आकांक्षा दुबे के मौत के आरोपी समर सिंह इस वक्त वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद है। 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद समर सिंह को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस केस में समर सिंह पर जो धारा लगी है वो है भारतीय कानून संहिता की धारा 306। 306 यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, जिसमें हमारे कानून में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा है। और जितने भी VIP केस उठाकर देख लो, किसी भी आरोपी ने 2-4 महीने से ज्यादा जेल में काटे ही नहीं। 2-4 महीने जेल में रहने के बाद आराम से जमानत मिल जाती है और फिर आरोपी अपनी पहले वाली नॉर्मल लाइफ में लौट आता है।
अब हाल ही में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी अभिनेता शीजान खान को भी जमानत मिल चुकी है। शीजान फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट आए हैं। तुनिशा की मौत का असर झेल रहा है तो सिर्फ उसका परिवार, उसकी माँ। इसी तरह 3 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 1 महीना जेल में रही और फिर जमानत मिल गई। रिया चक्रवर्ती भी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही है। फिल्म अभिनेत्री जिया खान के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। सूरज पंचोली को जमानत मिल गई थी। ऐसे कई केस बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में देखने को मिल जाएंगे जहां आत्महत्या के बाद आरोपी जमानत पर रिहा हो जाता है और खुली हवा में बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीता है, जबकि वो किसी की मौत का जिम्मेदार होता है। मगर आकांक्षा दुबे की माँ के इरादे पूरी तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। वो ऐसी कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती जो कि प्रीवियस केसेस में की गई। आकांक्षा दुबे की माँ पूरी तरह माइंड है कि वो समर सिंह पर 302 यानी कि इरादतन हत्या की धारा लगाकर ही दम लेंगी। अब आकांक्षा दुबे की मां के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी पहले ही कह चुके हैं कि वो समर सिंह पर लगी धारा को बदलवाना चाहते हैं, 306 को 302 में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो वकील ने इसके लिए याचिका तैयार कर ली है और अपनी एप्लीकेशन को लेकर कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो वकील त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका सबमिट करवा दी है जिस पर कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। वकील की माने तो जिस वक्त आकांक्षा की मौत हुई थी उस वक्त उनकी माँ मधु दुबे बहुत ज्यादा सदमे में थी, क्योंकि बेटी की अचानक मौत की खबर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इसीलिए उस वक्त सारनाथ पुलिस के कहने में आकर उन्होंने समर सिंह के खिलाफ धारा 306 में केस दर्ज करवाया था, जबकि वो तो धाराओं के बारे में जानती तक नहीं थी। बस पुलिस ने जो जो कहा वो ही किया। मगर बाद में जब वकील और मीडिया के जरिए उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने वकील के जरिए 306 को 302 में बदलवाने का निश्चय किया और इसी आधार पर कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट कराई गई है। अब दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो आकांक्षा दुबे की मां ही नहीं बल्कि लाखों फैंस भी चाहते हैं कि इस केस की जांच पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रूप से हो, समर सिंह के प्रभाव में आकर नहीं। इसीलिए सभी की मांग है कि आकांक्षा दुबे की जांच पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई के द्वारा की जाए। अब इस बारे में वकील त्रिपाठी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब ये फैसला राज्य सरकार के जरिए होता है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजे। वकील का कहना है कि इस पूरे केस में सारनाथ पुलिस तो पहले दिन से ही शक की सुई पर है, इसीलिए सीबीआई जांच ही सच को सामने लाने का एकमात्र जरिया है। वकील का कहना है कि आकांक्षा की मां की हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत मिल रही है। जब वो महिला होकर जान से मारने की धमकियों से नहीं डर रही तो भला मैं क्यों ना उनका साथ दूं। वकील का कहना है कि मैं आकांक्षा को इंसाफ दिलवाकर ही दम लूंगा और उसके गुनहगारों को असली जगह पहुंचा कर ही रहूंगा। तो कुल मिलाकर वकील की तरफ से धारा बदलवाने और धारा 302 पर क्या फैसला देती है और राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कब तक भेजती है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या समर सिंह पर धारा 302 लगनी चाहिए? क्या इस पूरे केस की जांच सीबीआई के हाथों में जानी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।